इन थ्री फेज वाइंडिंग्स को फैक्ट्रियों में फैब्रिकेट होते देखना कितना मजेदार है आप यहां पर जो देख रहे हैं वो एक फुली ऑटोमैटिक वाइंडिंग प्रोसेस है ये वाइंडिंग्स इलेक्ट्रिक करंट लेती है और उससे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है यही आरएमएफ हमारी मोटर को रोटेट कराता है आप सोच रहे होंगे कि वाइंडिंग्स के स्टेशनरी होने के बावजूद ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कैसे होती है चलिए इस वर्किंग को समझते हैं इन विजुअल से ये क्लियर है कि ये वाइंडिंग डिजाइन इतनी स्पष्ट नहीं है कई सालों तक डिज़ाइन इटेरेशंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एनालिसिस और फंडामेंटल्स को समझने के बाद इंजीनियर्स इस वाइंडिंग डिज़ाइन को बना पाए थे तो चलिए फंडामेंटल्स से शुरू करते हैं और इस वीडियो के खत्म होते होते हम डिजाइन के बारे में भी बात करेंगे वाइंडिंग डिजाइन शुरू करने से पहले हमें एक अच्छे आरएमएफ की क्वालिटीज को समझना पड़ेगा जैसा कि दिखाया गया है एक आर का शेप स्मूथ होना चाहिए रोटेशन के टाइम यह डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए और सेंट्रल फ्लक्स लाइंस परफेक्टली रेडियल होनी चाहिए चलिए एक सिंपल कॉयल को यूज करके इस परफेक्ट आरएमएफ डिजाइन जर्नी को शुरू करते हैं जब कॉयल से ऑल्टरनेटिंग करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लक्चुएट होगा जैसा कि दिखाया गया है अब चलिए ऐसी दो और कॉयल्स ऐड करते हैं जिनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो यहां पर हर कॉयल अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है और इनका नेचर फ्लक्चुएटिंग होता है जब हम इन मैग्नेटिक फील्ड्स को ऐड करते हैं तो हमें कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड मिलती है जैसे कि दिखाया गया है ये डिजाइन एक फेलियर है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड रोटेट नहीं हो रही है यहां पर आते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के गॉडफादर निकोला टेस्ला उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएशन के डिसअपॉइंटिंग बिहेवियर को ऑब्जर्व किया ये फील्ड फ्लक्चुएशन इसलिए होता है क्योंकि इन तीनों फील्ड्स का मैक्सिमम या मिनिमम एक ही समय पर हो जाता है एक पार्क में टहलते हुए जब टेस्ला रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के बारे में सोच रहे थे तो उनके दिमाग में आया कि वे इन तीनों ही फील्ड्स की मैक्सिमम वैल्यूज को अलग अलग इंस्टेंट्स पर रखें तो क्या होगा फिर ऐसा कोई भी इंस्टेंट नहीं होगा जहां पर तीनों करंट एक ही टाइम पर जीरो या मैक्सिमम हो जाएं। इसलिए रिजल्टेंट फील्ड कभी भी जीरो नहीं होगी अगर शॉर्ट में कहें वो इस फ्लक्चुएटिंग बिहेवियर को अवॉइड कर सकते हैं निकोला टेस्ला के फेस शिफ्ट कॉन्सेप्ट को यूज करके चलिए एक ऐसी वाइंडिंग बनाते हैं जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकती है इंस्टेंस से जीरो टाइम तक इन इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड्स के नतीजों को यहां पर दिखाया गया है फ्यूचर रेफरेंस के लिए इस पोजीशन को सेव कर लेते हैं एसी करंट्स में वेरिएशन के साथ इन मैग्नेटिक फील्ड्स का ओरिएंटेशन बदल जाता है अगर आप इन तीनों इंस्टेंसेस को कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड की तरह रोटेट हो रही है ये वाइंडिंग अरेंजमेंट सिक्सटीन स्लॉट डिजाइन है और ये दो पोल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है यहां पर हमने स्टेशनरी कॉल्स को यूज करके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना ली है यहां पर हमने वाइंडिंग के लिए एक सिंगल टर्न यूज किया था लेकिन इंडस्ट्रीज में कई सौ पतले पतले केबल टर्न्स यूज किए जाते हैं यह मैग्नेटिक फ्लक्स की स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा लिक्विड वार्निश लैमिनेशन की मदद से इन टर्न्स को एक दूसरे से इंसुलेट किया जाता है वाइंडिंग डिजाइन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है इन वाइंडिंग्स को एक आयरन स्ट्रक्चर के अंदर सपोर्ट किया जाता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को भी कैरी करता है आरएमएफ की क्वालिटी चेक करने के लिए हमें सॉलिड वर्क्स के ईएम वर्क्स वर्क टू सॉफ्टवेयर के एफई रिजल्ट्स देखने होंगे आप देख सकते हैं कि इस आरएमएफ के दो पोल्स हैं लेकिन सेंट्रल फ्लक्स लाइन्स रोटर से रेडियल नहीं है आप ये भी देख सकते हैं कि आरएमएफ के रोटेशन के दौरान शेप कंसिस्टेंट नहीं आ रहा है नॉन यूनिफॉर्मिटी इसलिए आती है क्योंकि एडजेसेंट कंडक्टर्स के बीच एक बड़ा गैप है तो रोटेशन के दौरान एक ज्यादा यूनिफॉर्म शेप को अचीव करने के लिए हमें एडजेसेंट कंडक्टर्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी चलिए इसे बारह कर देते हैं हर फेस कॉयल के साथ सीरीज में एक और कॉयल को कनेक्ट करके इस ट्वेल्व स्लॉट डिजाइन की वाइंडिंग बनाई जाती है यहां पर करंट की डायरेक्शन ऑब्जर्व करिए स्ट्रेट फॉरवर्ड कनेक्शन एक टू पोल मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा अब चलिए इन कॉइल्स के पेयर को ओवरलैप करते हैं परफेक्ट चलिए बाकी दोनों फेजेस के लिए भी यही करते हैं अगर आप इन तीनों कॉइल्स को एक सर्कल में कंबाइन करेंगे तो ऊपर वाली कॉयल एक डायरेक्शन में करंट कैरी करती है और नीचे वाली कॉयल दूसरे डायरेक्शन में करंट कैरी करती है इसकी रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है जैसी दिखाई जा रही है ये खूबसूरत वाइंडिंग बेहतर शेप और यूनिफॉर्मिटी के साथ टू पोल आरएमएफ प्रोड्यूस करती है इस एफईए रिजल्ट से यह क्लियर है यह वाइंडिंग रोटेशन के दौरान एक यूनिफॉर्म शेप बनाए रख सकती है यह मजेदार है कि इस वाइंडिंग में थोड़े और मॉडिफिकेशन करके हमें एक फोर पोल आर भी मिल सकता है अगर आप उस ओवरलैप को हटा दें जो हमने पहले कॉल्स में किए थे तो आपको बहुत आसानी से फोर पोल आरएमएफ मिल जाएगा यहां पर आर फेज का हर कंडक्टर इंडिविजुअल पोल क्रिएट करता है इसलिए सभी थ्री फेजेस कंबाइन होकर एक फोर पोल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं चलिए इस डिजाइन को भी एक सर्कुलर कोर में अरेंज करते हैं नंबर ऑफ पोल्स के अलावा क्या आप इन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स में कोई और फर्क बता सकते हैं दोनों आरएमएफ की रोटेटिंग स्पीड अलग है ऐसा इसलिए है क्योंकि टू पोल आरएमएफ का नॉर्थ पोल साइनसाइडल करंट वेव की हाफ साइकिल के बाद 180 एटी डिग्रीज पहुंचता है लेकिन फोर पोल वाइंडिंग में नॉर्थ पोल केवल नाइन्टी डिग्रीज ही पहुंचता है इसलिए टू पोल आरएमएफ की स्पीड फोर पोल आरएमएफ की दुगनी होती है आखिरकार टू पोल वाइंडिंग की स्पीड ज्यादा और टॉर्क कम होती है जबकि फोर पोल वाइंडिंग आरएमएफ का केस इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है पोल्स बढ़ाने पर भी स्पीड और टॉर्क का रिलेशन सेम ही रहता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बेहतर और स्मूद एक्सपीरियंस के लिए ट्वेंटी स्लॉट वाइंडिंग प्रेफर की जाती है ये स्लॉट्स पास पास होते हैं और स्टेटर पेरीफेरी पर एक समान प्लेस किए गए होते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे एक समान रोटेट होती है और पूरे रोटेशन में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी सेम होती है इसे हम ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ स्लॉट्स बढ़ाते हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा यूनिफॉर्म हो जाती है और उसकी स्ट्रेंथ भी कॉन्स्टेंट हो जाती है ये वाइंडिंग्स की खूबसूरती है यहां पर आप स्टेटर पर ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाइंडिंग्स देख सकते हैं ये वाइंडिंग टाइप उन एप्लीकेशंस के हिसाब से सेलेक्ट की जाती हैं जिनमें आप मोटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं फैक्ट्रियों में इन कॉयल्स को एक फॉर्मर पर घुमाया जाता है एक बार में हर साइट पर दो से तीन सेट्स घुमाए जाते हैं कॉयल ग्रुप से लोडेड इस फॉर्मर को हाइड्रोलिक प्रेशर से स्टेटर कोर में इंसर्ट कर दिया जाता है फिर आता है इन कॉइल्स के कनेक्शन को प्रिसाइज बनाने वाला ह्यूमन इंटरवेंशन इन वाइंडिंग्स को टेस्ट करके आपके मिक्सर ग्राइंडर वॉशिंग मशीन या एयर कंप्रेसर को ऑपरेट करने के लिए भेजा जाता है हमें उम्मीद है आपने वीडियो एंजॉय किया होगा हम फिर से मिलेंगे थैंक यू